तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चोरी की परिभाषा। एक जगह से चोरी की नियत से दूसरे जगह रखना उसको चोरी कहते हैं। बोलो हाँ या ना, सही क्या गलत? तो फिर क्यों नहीं बता सकता आप? कोई बात नहीं, क्या बता, बोलो साहब, चोरी की परिभाषा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं देता है, बोलो जोर से बोलो। बोल रहे बराबर नहीं, बराबर तरीके से बोले, बोलो बोलो बराबर बोले आप, बोलो। एक सामान को, बोलो, एक सामान, एक स्थान से चोरी की नीयत से दूसरी जगह रखना या छुपाना उसको चोरी। ओके सर, ओके साहब, आपको सर समझ आया? देखो चोरी की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब चोर कैसे होते हैं? चोर शातिर होते हैं, चोर वो शातिर होता है, चोर का, चोरों का काम होता है हाथ की सफाई। क्या करते हैं वो? हाथ की सफाई। एक झटके के अंदर चोर कभी भी याद रखना, अगर पकड़े जाता है तो वो आपको सामने आंखों में आके डालकर वो हथियार को देखता है कि मेरे पास कहाँ कहाँ मारने के लिए है, वो दिमाग दौड़ाता है। जब भी रात के समय नाइट के टाइम ऐसी जगह होते हो आप जो नहाते हो, ए बजा मत रे, जो नहाते हैं जैसे अकेले रहते हो, अगल बगल दूर में दूरी वाला है, उस जगह के ऊपर वीडियो करेंगे, वीडियो करेंगे, लाठी का मत जाओ। देखो अगर आपका जीवन रहेगा तो आपका परिवार चलेगा, समझे? आप ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्मी बी एस ए वाले भी है जो देश के लिए मर गए और फिर आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख और भाई को नौकरी मिलेगी, ये थोड़ी करता है, करता है सर। तो हमने क्या करना है, हमने नाइट के टाइम पर रात्रि पारी के अंदर नाइट शिफ्ट के अंदर एक लाठी नहीं है तो अगल बगल से कोई एक राड, लोहे का राड मजबूत अपने पास लेके हमेशा रखना। नाइट हमको किसी को मारना नहीं है, हमको किसी को मार नहीं करना है, लेकिन हमारा बचाव हमको करना है। अब बचाव कैसे करेंगे? क्या लाठी है क्या? हाँ साहब लाठी है ना, आप क्या बोल रहे हो? आप जाओ तो लाठी लातो एक लाठी, लाठी का बचाव, लाठी का बचाव। एक रे दो लाठी है साहब, हमारा जाति हथियार है, क्या है गार्ड का जाति हथियार? क्या है? लाठी। और पुलिस डिपार्टमेंट का जाति हथियार क्या है?